हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जाकिर यूट्यूबर। आज हम आपके लिए बिग बॉस का एक बहुत ही अच्छा अनसेंस क्लिप लाए हैं, जिसे देखकर आप लोग खुश हो जाओगे। सना की मीठी मीठी प्यारी प्यारी और बहुत ही क्यूट बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस सीन में ऐसा है कि इसे बताया तो नहीं गया है, ये अनसीन है। तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि रश्मि और सना दोनों बैठी रहती है। रश्मि आटा गूंथती रहती है और सना जो है वो सामने उसके बैठी रहती है। सना कहती है, रश्मि कहती है कि कल रात में तुम्हारे सपने में कौन से बाबा आए थे। सना रश्मि से कहती है कि मेरी लाइफ में तो सिर्फ दो ही लड़के हैं, एक है कार्तिक और दूसरा है गौतम, बस मैं तो ये दोनों पर ही मरी जाती हूँ। तो इस पर रश्मि कहती है कि ते कल तो वो दोनों तो तुझसे मिलकर गए, तो अब कल रात में तेरे सपने में कौन आया था। तो सना हंसने लगती है और जवाब देती है, मैं तो इन दोनों की ही फ़ैन हूँ और इन्हीं, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही दो लड़के हैं और इन्हीं से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी कोई भी इस घर में आ जाए, मैं किसी के साथ ऐसे चिपकती उपकती नहीं हूँ। तो रश्मि कहती है कि लेकिन फिर भी रात में तेरे सपने में कौन आया था। तो सन्ना कहती है कि मेरे सपने में तो कोई नहीं आया था, लेकिन मेरे बाजू में तो शुक्ला ही सोया था। इस जवाब पर सना और रश्मि दोनों बहुत ज़ोर से ठहाके लगाते हुए नज़र आते। सना कहती है कि मुझे तो और चाहिए कि सलमान खान सर बस एक बार कटरीना को ले आए, जिस तरह से कार्तिक और गुलाटी को बिग बॉस ले आए, उसी तरह से सलमान सर एक बार कटरीना को ले आए। मैं फिर, हाँ, कटरीना से मैं बहुत ज़्यादा झप्पियाँ पप्पियाँ डाल लूँगी, क्योंकि वो भी मेरी बहुत फेवरेट है और उनसे मिलना भी मेरा एक बहुत ही ड्रीम है। तो ये बात पर रश्मि जवाब देती हैं कि तेरी तो बिग बॉस ने गुलाटी और गौतम गुलाटी और कार्तिक को बुलाकर ख्वाहिश क्या पूरी कर दी, तेरी ख्वाहिशात तो बिग बॉस से बढ़ने लगी है। तो सना इस पे जवाब देती है, हाँ भाई, मेरा बहुत सपना है कि मैं एक बार कटरीना कैफ से भी मिल लूँ, बस सलमान सर एक बार कटरीना कैफ को भी यहाँ ले आए। तो उस पर रश्मि जवाब देती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे पर रणवीर सिंह आए और मेरा दिन बन जाए और बहुत सारा सियापा हो और बहुत सारा गपशप हो और मेरा दिन बन जाए। इस तरह से रश्मि की और सना की आपस में अपनी अपनी फेवरेट्स और अपनी अपनी ख्वाहिशात को लेकर बातें होने लगती है। तो ये थी रश्मि और सना की बातें, जो कि अपनी अपनी ख्वाहिशात बिग बॉस के सामने बयान कर रही थी। तो अब देखना ये है कि बिग बॉस और सलमान सर दोनों रश्मि और सना की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं कि नहीं, उनका ड्रीम कंप्लीट होता है या नहीं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।